दोस्तों, अगर आपको गेमिंग करने का शौक है, कि चाहे वो पबजी, फोर्टनाइट, एसफल 9, काफ़ी सारी गेम्स हैं, तो आप जानते होंगे कि आपके लिए इस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी आपको सब पता चल जाएगा। एग्जैक्टली जैसे अनुज भाई ने बोला कि यार गेमिंग आज की डेट में, अगर मैं सही कह रहा हूँ अनुज भाई कि नहीं, बहुत लोग ये सोच के फोन्स लेते हैं कि यार हमें इस पे पबजी खेलनी है, फोर्टनाइट खेलनी है, या एसफॉल 9 टाइप की कोई ना कोई गेम तो चलानी है। और आज की डेट में अगर प्रेजेंटेशंस को देखा जाए, जो फोन्स की प्रेजेंटेशंस होती हैं, उसमें भी गेमिंग को एक की फीचर दिया जाता है, एक की प्रेजेंटेशन दी जाती है कि ये फोन गेमिंग किस तरह से हैंडल करता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट जिसका हम आज रिव्यू करने वाले हैं, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं, एंड ये आता है एमकेट की तरफ से एक कंट्रोलर। देखो यार, मजे की बात ये भी है कि आज की डेट में हमें बजट सेगमेंट में ऐसे फोन मिल गए हैं जहां पर हम गेमिंग टॉप क्लास की कर सकते हैं। बिल्कुल, आज से कुछ टाइम पहले ऐसा नहीं होता था। अगर हमको गेमिंग करनी है तो बजट हमें उस लेवल पर लेकर जाना पड़ता था। एग्जैक्टली, बट अब ऐसा नहीं है। आपको 10,000-15,000 में भी ऐसे फोन मिल रहे हैं जहां पर पबजी आप मक्खन की तरह चला सकते हैं और बाकी सारी गेम्स भी चल सकती हैं। अब जो ये कंट्रोलर है ना, इसमें मैं आपको ये कह सकता हूं, आपको एक्स बॉक्स का एक्सपीरियंस होने वाला है। एग्जैक्टली, प्रॉपर एक्स बॉक्स का क्या प्राइस है? Xbox अगर आप 1S लेने जाओ तो इस समय 20,000 रुपए का है, और अगर आप 1X जो कि 4K वाला है, वो आपको 30,000 के आसपास का मिलेगा, और ये आपको पड़ेगा 2299, मतलब कि 2300 का। Amazon, Flipkart हर जगह पे अवेलेबल है। एग्जैक्टली, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपने Xbox का नाम लिया है, तो Xbox का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके जो पूरी बटन प्लेसमेंट है, जो पूरे एस्थेटिक्स हैं, वो आप एक Xbox कंट्रोलर से पूरे मैच कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं गेमिंग वर्ल्ड की, तो अनुज भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि PS4 और Xbox, ये दो कॉन्सोल हैं टॉप के जो वर्ल्ड में बिकते हैं, और अगर इनके कंट्रोलर की बात की जाए, जब कंपैरिजन होता है, तो Xbox के कंट्रोलर को हमेशा एज मिलता है इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स और गेम प्ले में, जो आपको कंफर्ट लेवल देखने को मिलता है, और जिस तरह से आप गेम प्ले में अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते हो अपने प्लेयर्स को, तो वो Xbox ही आपको प्रोवाइड कराता है। एंड एग्जैक्टली एमकेट ने यहाँ पे पूरी तरह से रेप्लिकेट किया है Xbox के कंट्रोल को, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस मिल सके मोबाइल गेमिंग में। और साथ में आपको इस प्रोडक्ट का गिव अवे भी आज मिलने वाला है। 3 ये गेम पैड आप जीत सकते हैं इस वीडियो में। कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, आगे मैं आपको सब बताने वाला हूं। और अगर मैं बात करूं Xbox जैसे एक्सपीरियंस की, तो अनुज भाई ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं Xbox और PS4 जैसे कंट्रोल्स को रोज यूज करता हूं डेली, क्योंकि मैं गेम्स खेलता हूं PS4 पे भी, Xbox जैसे कॉन्सोल्स पे भी, तो इसका एक्सपीरियंस डिट्टो Xbox कंट्रोलर जैसा है। दोस्तों भाई गेमिंग की बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखना मत भूलिएगा। और यहाँ पे अनुज भाई आप बता रहे थे कि आप एक हफ्ते से यूज कर रहे हो, तो मेरे को एक चीज बताओ, मैंने तो पर्सनली यूज नहीं करा, मैं करूंगा, इसको लूंगा, खरीदूंगा, लेकिन इसका बैटरी लाइफ कैसा है? बैटरी लाइफ तो इसका मुझे इतना जबरदस्त लगा, आपको 8-10 घंटे, 10-12 घंटे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंटिन्यू आप गेम प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब आपने ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करा हुआ? ब्लूटूथ कनेक्ट किया हुआ है हमने, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, और आपने माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, इजीली आप चार्ज कर सकते हैं इसको बिना टेंशन के। तो बैटरी लाइफ यहाँ पे 8-10 घंटे, यार आपका फोन इससे पहले खत्म हो जाएगा बैटरी में, लेकिन ये तब भी आप एक बारी, मतलब फोन को 2 बारी पूरा फुल चार्ज करने के बाद इसको एक ही बारी चार्ज पे खेल सकते हो, मतलब पूरे पूरे गेमिंग सेशन आप आराम से खेल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे कंपैटिबिलिटी के बारे में आप कुछ बता रहे थे मेरे को, ये इसके बॉक्स के ऊपर कुछ मेंशन है जो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से एक्सप्लेन। देखो ये बॉक्स देखिए, यहाँ पर काफी सारी गेम्स ये सपोर्ट करता है, काफी सारी का और भी अपडेट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। साथ में अगर हम बॉक्स कंटेंट की बात करते हैं, तो बॉक्स में आपको इतना कुछ मिलता है, ज्यादा कुछ बॉक्स में आपको नहीं मिल रहा, ये केवल आपको दी गई है, चार्ज आप इसको इससे कर सकते हैं। और ये गेम पैड आपको मिल रहा है, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही सॉलिड है, ग्रिप इसकी काफी अच्छी बनती है। और दोस्तों जो इसका ये फोन होल्डर है, ये बहुत ही स्मूथ लगा मुझे, आपके फोन पे बिल्कुल भी इसमें प्रेशर नहीं पड़ने वाला, बहुत ही अच्छे से आपके फोन को ये हैंडल कर सकता है, बड़ा फोन हो या छोटा फोन हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली इसके साथ। बटन्स यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से बटन्स हैं ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एनालॉग स्टिक्स मिल जाती है बिल्कुल Xbox कंट्रोलर की तरह, आपको XABY ये जो मेन आपके पॉइंटर्स हैं, जिससे आप अलग अलग इसको मैप भी कर सकते हैं वैसे तो, बट बाकी आप जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर आप गेम्स खेलते हैं, तो एक्स से आप ए से आप शूटिंग कर सकते हैं, एक्स से आप जो गाड़ियों के डोर्स वगैरह होते हैं वो खोल सकते हैं, बी से आप ग्रेनेड थ्रोइंग, अगर आप पबजी स्पेशली खेलते हैं तो आपको पता होगा कि बी को अगर आप यूज करेंगे तो आप इससे बी से ग्रेनेड थ्रो कर सकते हैं, वाई से आप वॉल जंप कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे जो डी पैड है, ये भी बहुत ही स्मूथ इसका एक्सपीरियंस यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे बीच में 4 बटन दिए गए हैं, स्टार्ट, क्लियर, टर्बो, सिलेक्ट। अब बाय डिफॉल्ट गेम्स के अंदर ये बटन्स किस तरह से मैप है वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आप इन चारों बटन्स को एसफॉल्ट और साथ में नीड फॉर स्पीड जैसी गेम्स में कस्टमाइज भी कर सकते हो सेटिंग्स में जाके।
और दूसरी बात ये गाइज, यहाँ पे शूटिंग के लिए आपको L1, L2, R1, R2 का सपोर्ट दिया जाता है। और यहाँ पे एक चीज ऐसी है जो आपको एक्सबॉक्स के कंट्रोलर में नहीं मिलती बाय डिफॉल्ट, और वो है यहाँ पे एक्स्ट्रा बटन्स जो पीछे की तरफ दे सके हैं। इनका जो बॉक्स पे मेंशन है वो है L3, R3, बट आप इनको नाइट्रोस ऑक्साइड, जैसे आप रेसिंग गेम्स वगैरह खेलते हो तो उसके अंदर अगर आपको नाइट्रो ऑन करना है अपनी कार में, ड्रिफ्ट मारनी है, तो इन बटन को उस काम के लिए आप मैप कर सकते हैं। कुल मिला के बात ये है, आपका चिकन डिनर पक्का हो जाएगा और रेसिंग में जीत आपकी कंफर्म हो जाएगी। एग्जैक्टली, अगर आप इसमें गेमिंग करेंगे तो। अगर आपको याद हो बचपन में मारियो काफी खेली होगी सबने। बहुत यार, मारियो और कॉन्ट्रा दोनों, वो ऐसी गेम्स खेलने का ना, ऐसे रिमोट भी मजा आता है। Exactly. मैं ट्राई करूंगा इसका, इस पे मारियो खेलने की। आज की डेट की अगर मारियो और कॉन्ट्रा की बात की जाए तो पबजी मारियो बन गई है और कॉन्ट्रा बन गई है फोर्टनाइट, तो वो भी आपको बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस कंट्रोलर के साथ। यस, अब अगर हम बात करते हैं इसकी कंपैटिबिलिटी और गिवअवे के बारे में, तो देखो जहां तक कंपैटिबिलिटी की बात है तो ये अभी फिर सिर्फ मिररडेक को सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा जो भी आपको मिलते हैं, चाहे वो स्नैपड्रैगन, एक्सिनोस या फिर हो आईफोन, आईफोन 5S से लेकर 11 मैक्स प्रो, सबको ये सपोर्ट करता है। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब अगर हम गिवअवे की बात करते हैं तो आप ऐसे 3 गेम पैड जीत सकते हैं। जीतने के लिए बस आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट। कमेंट में आपको बताना है कि आपको इस गेम पैड की सबसे खास बात क्या लगी है, या फिर आप बता सकते हैं आपकी फेवरेट गेम कौन सी है, कमेंट में बताना मुझे। साथ में मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर मैं आपको आने वाले गिवअवेज की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जल्दी से पार्टिसिपेट कर लो अगर अब नहीं किया। और अनुज भाई, एक गेम पैड तो मेरा पक्का है, इन 3 के अलावा अनुज भाई मेरे को पर्सनली गिफ्ट करेंगे, जो इन्होंने मेरे को प्रॉमिस कर दिया यहाँ पे वीडियो में सबके सामने। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम ट्राई आउट कर रहे हैं यहाँ पे पबजी को, और भाई बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस। एंड हम यहाँ पे घुस गए हैं घर में, एंड ये हमारा मैप है। एंड लेट्स पिक अप जो जो चीज़ें हमें उठानी है। ओके, यहाँ पे कोई वेपन नहीं पड़ा हुआ, हमारे पास कोई गन ही नहीं है यार। गन कहाँ मिलेगी भाई, अपनी टीम यहाँ पे लड़ रही है। तो गाइज यहाँ पे अब हम खेल रहे हैं फोर्टनाइट आफ्टर प्लेइंग पबजी, एंड सो फार अगेन बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस। आप देख सकते हो यहाँ पे एनालॉग स्टिक्स, जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ वैसे ही हमारा प्लेयर भी मैन्यूवर कर रहा है। और अभी हम यहाँ पे बिल्कुल सुनसान जगह पे उतरते हैं ताकि हम थोड़ी सी लूट पाट मचा सकें, वेपन्स वगैरह ले लेते हैं थोड़े बहुत। और यहाँ पे मेरे को वेपन्स दिख रहे हैं। ओके, तो गाइज अब हम ट्राई कर रहे हैं इस गेम पैड के साथ सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस को, और इस फोन के अंदर है एक्सिनोस प्रोसेसर, जो कि सैमसंग इंडिया में जितने भी फोन्स फ्लैगशिप देता है सबके अंदर एक्सिनोस प्रोसेसर ही होता है। और यहाँ पे अब हम इस गेम पैड को यूज करेंगे टू नेविगेट द मेन्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डी पैड जो है और जो एनालॉग स्टिक्स है उससे आप मेन्यू को भी नेविगेट कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जो कि बहुत इजीली आप कर पा रहे हो। एंड अगर मैं लेटेंसी की बात करूँ तो बिल्कुल भी लेटेंसी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप इसको नेविगेट कर सकते हो। और साथ में जो गेम प्ले अभी देखते हैं कैसा चलता है इसके अंदर। और यहाँ पे लेट्स गो। ओ एंड गाइस, नो डाउट यहां पे हमारे डी पैड का पूरा एक मैप भी बना आ गया है, जिसके थ्रू आप सारी चीजें यहां पे डबल प्रेस ऑन द लेफ्ट ट्रिगर एंड एक्स टू परफॉर्म ए 360। ओके, तो ये डिटेक्ट कर चुकी है, गेम डिटेक्ट कर चुकी है इस डी पैड को, इस कंट्रोलर को, और साथ में वो बता रही है आपको इंस्ट्रक्शंस के क्या क्या आपको प्रेस करना है अलग अलग मेन्यूवर्स पुल आउट करने के लिए इस गेम में। और यहां पे नाइट्रो आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त यार। तो ऑलरेडी अब मेरे को, अगर मैं इसी कंट्रोलर के साथ इस गेम को खेलता रहूं तो आई थिंक मेरे को आदत पड़ जाएगी और मैं नॉर्मली टच स्क्रीन को यूज करके इस गेम को नहीं खेल पाऊंगा। जैसे कि आपने देखा, गेमिंग का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का होता है गेम पैड के साथ। कैसा लगा आपको गेमिंग करके? बहुत बढ़िया यार। मेरे ख्याल से मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं एक फोन लूं जिसके अंदर जो पबजी और फोर्टनाइट हो वो अच्छे से कंपैटिबल हो, और साथ में मुझे ना एक सॉल्यूशन पता नहीं था। मेरे को ये लगता था यार ट्रिगर्स के साथ ही करते हैं, क्योंकि मैं कोई ज्यादा हैवी गेमिंग नहीं करता मोबाइल फोन्स पे, मोस्टली मैं PS4, Xbox One या PC पे ही गेमिंग करता हूं। लेकिन यहां पे आने के बाद मैं कह रहा हूं आई एम वेरी थैंकफुल टू अनुज भाई कि मेरे को इस प्रोडक्ट के बारे में पता चला है, क्योंकि अब मैं फोन लेने वाला हूं, एक तो इनसे रिकमेंडेशन लूंगा कि कौन सा फोन लूं, और उसके बाद इसी कंट्रोलर के साथ मैं उस पर गेमिंग करने वाला हूं अपने चैनल पे। तो वो
आप देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है, स्पेशली इन गेम्स लाइक पबजी, फोर्टनाइट और साथ में नीड फॉर स्पीड। बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको गेमिंग करने का। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। बाकी हमें उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से। बिल्कुल, स्पेशली जो गेमर्स हैं उनको तो भाई बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं एक और गिव अवे जल्दी आने वाला है, काफी कुछ है इस बॉक्स में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर गाइस।